नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद और इस समय आप मेरे चैनल राज फोटोटेक को देख रहे हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि फोटोशॉप में हम कैसे गोल्डन स्किन इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि गोल्डन स्किन लुक किसी पोर्ट्रेट में कैसे दिया जा सकता है। यह लुक वेडिंग एल्बम में अगर आप दे दें तो हमेशा ही आपके क्लाइंट इसकी मांग करेंगे। फिगर स्टडी फोटोग्राफी में तो यह कमाल का लुक देता है। मुझे इस समय भाईजैक के प्रख्यात पोर्ट्रेट फोटोग्राफर श्री बी के अग्रवाल की याद आ रही है। अगर वे इस ट्यूटोरियल को देखेंगे तो तुरंत ही अपनी तस्वीरों में इस इफेक्ट का प्रभाव देखने के लिए वे आतुर हो जाएंगे। फोटोशॉप के इफेक्ट्स का मजा लीजिए, तभी आप इसे खेल खेल में सीख पाएंगे। इस ट्यूटोरियल में लेयर, मास्क, कलर, लुकअप टेबल, इन सब का उपयोग हुआ है, पर यह सुनकर आप डरे नहीं, केवल मेरे दिखाए गए स्टेप्स को फॉलो करें। आप केवल इस इफेक्ट को ही नहीं क्रिएट करेंगे, बल्कि इसके अलावा फोटोशॉप एडिटिंग की बहुत सी बारीकियों के बारे में भी जान जाएंगे, चाहे आपने उनका उपयोग कभी किया हो या न किया हो। सबसे पहले एक अच्छी तस्वीर का चुनाव करें। हर तस्वीर पर यह इफेक्ट अच्छी नहीं लगेगी। मैंने पहले से ही एक तस्वीर स्क्रीन पर खोल रखी है। अब जैसे जैसे मैं स्टेप्स बतला रहा हूं वैसा करते चले। पहले इमेज मेन्यू को खोलें और डुप्लीकेट पर क्लिक करके इस इमेज की एक डुप्लीकेट कॉपी बना लें। अब विंडो मेन्यू को खोलें और वहां अरेंज पर क्लिक करें और इसमें से टू अप वर्टिकल पर क्लिक कर दें। आपको दोनों इमेज अगल बगल में अरेंज होकर दिखने लगेगी। अब F7 दबाकर लेयर पैनल को खोल लें। कंट्रोल J दबाएं, इससे इसी इमेज की एक डुप्लीकेट कॉपी लेयर पैनल में बन जाएगी, जैसा कि आप लेयर पैनल में अभी देख रहे हैं। अब एडजस्टमेंट लेयर को खोलना है। इसके लिए एडजस्टमेंट लेयर बटन को प्रेस करें, इसमें कलर लुकअप पर क्लिक करें और 3D लट को खोलें और यहां एजी अंबर को क्लिक करें। आप देखेंगे कि आपकी तस्वीर का कलर बदल गया है। अब लेयर की ओपेसिटी को थोड़ा कम करके इस इफेक्ट को और भी फाइन ट्यून करें। मैं यहां इस इफेक्ट को 80 के करीब रख रहा हूं। एक बार फिर कलर लुकअप एडजस्टमेंट लेयर को खोलें। इस बार इसमें लेट सनसेट पर क्लिक करें। अब इस एडजस्टमेंट की ओपेसिटी को कम करके मात्र 20 से 25 के बीच में रहने दें। अब आपके इमेज का कलर कुछ कुछ गोल्ड से मिलता जुलता लगने लगा है, फिर भी यह परफेक्ट नहीं है, इसलिए एक बार फिर इस पर एक कलर एडजस्टमेंट लेयर का इस्तेमाल करेंगे। एडजस्टमेंट लेयर को खोलें और यहां पर कलर बैलेंस पर क्लिक करके इसके पैनल को खोल लें। अब कलर बैलेंस के पैनल में तीनों कलर के जो स्लाइडर्स हैं उनको एडजस्ट करके आप कलर को करीब करीब गोल्ड के समान बना लें। अब आपके सामने तीन एडजस्टमेंट लेयर बन चुके हैं, इसलिए अब हम लोग इनकी एक ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बनाने के लिए आप शिफ्ट बटन दाबे रहें और हर एक एडजस्टमेंट लेयर पर बारी बारी से क्लिक कर दें। ऐसा करने से सब एडजस्टमेंट लेयर एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी और इसके बाद आप लेयर पैनल में नीचे क्रिएट ग्रुप आइकॉन को दबा दें। इससे आप देखेंगे कि तुरंत तीनों लेयर एक ग्रुप में बदल गई हैं। आप इस ग्रुप को यहाँ इस एरो को दाबकर खोल भी सकते हैं। इसमें आप तीनों ग्रुप देख सकते हैं। ये गोल्ड कलर का जो इफेक्ट है ये पूरे इमेज पर है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यह इफेक्ट केवल स्किन पर हो। इसके लिए हम लोग एक मास्क का यूज करेंगे और इस मास्क को इन्वर्टेड मास्क कहते हैं, जिससे कि यह पूरे इमेज पर एडजस्टमेंट लेयर के इफेक्ट को छुपा देता है। इसके लिए आप अल्ट बटन को दाबे रहें और क्रिएट मास्क बटन को दाब दें। आप देखेंगे कि आपके लेयर पैनल में ग्रुप के बगल में एक ब्लैक मास्क बन गया है और आपकी इमेज पहले की तरह ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगी है। उस पर गोल्डन कलर का जो इफेक्ट था वो पूर्णतः खत्म हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि आपने ब्लैक मास्क का यूज किया है। अब एक ब्रश लें, ब्रश के साइज और हार्डनेस को मन मुताबिक सेलेक्ट करें
और उसके बाद फोरग्राउंड कलर को व्हाइट ले ले। अगर फोरग्राउंड कलर व्हाइट नहीं है तो नीचे इस बटन को दबाएं, इससे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कलर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। अगर इन्हें बदलना हो तो ऊपर जो यह डबल एरो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कलर इंटरचेंज होंगे। जितनी बार इसे आप क्लिक करेंगे ये कलर इंटरचेंज होते चले जाएंगे। अब ब्रश से व्हाइट कलर फोरग्राउंड में लेकर इमेज पर पेंट करें। जैसे जैसे हम स्किन पर पेंट करेंगे हम देखेंगे कि वहां का रंग गोल्डन होता चला जा रहा है। आप धीरे धीरे पूरे स्किन पर पेंट कर लें और बैकग्राउंड और कपड़ों को वैसा ही रहने दें। हो सकता है कि आपको काम करने में गलती हो जाए। मैं यहाँ एक गलती करके दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ गलत जगह पर पेंट कर दिया है। लेकिन आपसे कोई गलती हो जाए तो आप घबराए नहीं, इसे तुरंत ठीक किया जा सकता है क्योंकि मास्क की यही तो खूबी है। आप अब क्या करेंगे कि ये जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है उनको इंटरचेंज कर दें। यानी आपने पहले व्हाइट कलर लिया था फोरग्राउंड में, अब इसे इस बटन को दबा दें यह ब्लैक कलर में चेंज कर जाएगा। अब फिर जहां गलती हुई है वहां पेंट कर दें, वो गलती गायब हो जाएगी। ऐसा आप जितनी बार चाहें कर सकते हैं। अब फिर व्हाइट कलर को ले लें और पेंट करके पूरे स्किन के कलर को गोल्डन कलर में बदल दें। स्किन का कलर अब गोल्डन हो चुका है, पर फिर भी इसमें कुछ चमक लाने के लिए हम कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर का उपयोग करेंगे। एक बार फिर एडजस्टमेंट लेयर आइकॉन को खोलें और कर्व्स को सेलेक्ट करें। कर्व्स के नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, इससे आपकी इमेज में कंट्रास्ट इंक्रीज कर जाएगा और इमेज में एक चमक आ जाएगी। अब आपका काम पूरा हो चुका है। अब लेयर पैनल में जाएं और फ्लैटन को दबा दें, इससे आपके सब लेयर फ्लैट होके एक सिंगल इमेज बन जाएगी जिसे आप सेव कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और इसमें आपने कुछ नई बातें सीखी होंगी। इन सब की प्रैक्टिस करें। इसमें कुछ ऐसे भी बातें हैं जिनका उपयोग आपको भविष्य में बार बार करना पड़ेगा, इसलिए इस ट्यूटोरियल को बार बार दोहराएं जिससे लेयर पर यह सब काम करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाए। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, खुश रहें और आपका दिन मंगलमय हो। आशा है ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकॉन को दबा दें। इस अंक में इतना ही। अब नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड बाय फॉर नाउ।